तो हजारी बाग का रामनवमी पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामनवमी है, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? आपकी डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। क्यों, क्या, काहे, इसका कोई जिक्र नहीं है। डराया जा रहा है, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डीजे वालों से जाके सिग्नेचर करवा रहे हैं कि तुम डीजे नहीं दोगे तो इस देश में, इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है? अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बजेगा? क्या आपके कहने पर डीजे नहीं बजेगा या कोई आपका लॉजिक है? हम, मैं लेकर के आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन प्रति साल धार्मिक अनुष्ठान में परमिशन दे सकती है। डीजे प्रतिबंध मामले पर स्पीकर के सामने बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कुर्ता फार कर कहा, क्या इस राज्य में हिंदू होना अपराध है? झारखंड में रामनवमी पर डीजे प्रतिबंध और 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ मनीष जायसवाल सदन में सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। सरकार से जवाब नहीं मिलने से नाराज होकर वेल में पहुंच गए और आसन के सामने खड़े होकर अपना कुर्ता फार दिया। मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में पुलिस वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, डीजे वालों से सिग्नेचर करवा कर उन्हें डीजे नहीं देना है। उन्होंने कहा कि क्या इस राज्य में हिंदू होना अपराध है? सदन में भी हमें कोई संरक्षण नहीं मिलता है, क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? डीजे क्यों नहीं बजेगा, क्या कोई तर्क है? हम लोगों की कोई प्रतिष्ठा तो है नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप अपनी यही करवाया कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे समय पर जवाब देंगे जब उनको हम लोग फिर बाद में कुछ नहीं बोल पाएंगे अध्यक्ष महोदय? 23 और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी रामनवमी का विषय है, हमने कितनी बार उठाया यहाँ पर, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उठाया, आज बाध्य होकर के हम लोग सब लोगों को वेल पे जाना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। 5000 लोगों पर 107 हुआ है, वाद अंतर बनाने पर रोक है, डराया जा रहा है, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डीजे वालों से जाके सिग्नेचर करवा रहे हैं कि तुम डीजे नहीं दोगे तो इस देश में, इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है? अध्यक्ष महोदय, अगर हिंदू होना अपराध है और सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या हम लोग इसी बात के लिए सदन में आते हैं अध्यक्ष महोदय? और कोई संरक्षण नहीं मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? मंत्री जी उठ के बोलते हैं, इनको हमने तो 4 बार बोला कि हाँ भाई आप तालिबान में रहते हैं तो हम लोग जैसे, आप जैसे रखेंगे वैसे रहना है, फिर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय। क्या मंत्री जी ये जो 5000 लोगों पर 107 हुआ है, क्या उसको वापस एफआईआर, ये जो 107 है वापस करवाएंगे? क्या निर्दोष जो लोगों पर एफआईआर हुआ है वापस करवाएंगे? जो लोग धरना आमरण अनशन पर बैठा हुआ है उनका क्या होगा? वाद अंत क्यों नहीं बजेंगे? डीजे क्यों नहीं बजेगा? क्या आपके कहने पर डीजे नहीं बजेगा या कोई आपका लॉजिक है? हम, मैं लेकर के आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन प्रति साल धार्मिक अनुष्ठान में परमिशन दे सकती है। अगर दे सकती है तो हजारीबाग का रामनवमी पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामनवमी है, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? आपकी डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। क्यों, क्या, काहे, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो क्या इस राज्य में सारा बात होना पुनः अध्यक्ष महोदय आप उत्तर दिलवा दीजिए अध्यक्ष महोदय, आपका सारा बात आ गया। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, वो सब नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। श्री सूर्य इस सदन में हम लोगों की कोई प्रतिष्ठा तो है नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप अपनी ये इस मांग को 10 रुपए से घटाई जाए। मान्य सदस्य मनीष कुमार जायसवाल का अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।